Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में आधुनिक भारत के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज की जो हमारी चर्चा है वह पंडिता रमाबाई के बारे में होगी पंडिता रमाबाई एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने उस समय महिलाओं के अधिकारों की बात को बहुत ही मुखरता से उठाया जिस समय भारतीय समाज ज़्यादा रूढ़िवादी था जिस समय महिलाओं के अधिकारों की बात करना रूढ़िवादी समाज से दुश्मनी मोल लेने के बराबर था और पंडिता रमाबाई ने साहस के साथ यह काम किया उन्होंने न सिर्फ एक स्वतंत्र चेता महिला के रूप में अपना जीवन यापन किया बल्कि समाज की सबसे वंचित पीड़ित और हादसे पर पड़ी महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया उन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए आज हम पंडिता रमाबाई के जीवन और उनके विचारों के बारे में बातचीत करेंगे पंडिता रमाबाई का जन्म अठारह में हुआ और 1922 में उनकी मृत्यु हुई और आ, हमारी जो चर्चा है उसका एक तरह का पूरा स्वरूप होगा जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम किन किन पहलुओं पर बातचीत करेंगे आ, सबसे पहले एक प्रस्तावना होगी और उसके बाद हम उनकी जीवन परिचय की बात करेंगे पंडिता रमाबाई की प्रमुख पुस्तकों के बारे में आ, हम जानकारी हासिल करेंगे फिर जेंडर न्याय और नागरिक अधिकार के बारे में उनके जो विचार हैं उनकी समझ बनाएंगे पितृसत्ता की उन्होंने किस तरीके से आलोचना की उस पर हम विचार करेंगे महिला मुक्ति के प्रश्न पर उनके विचारों का हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पंडित हरमाबाई का किस तरीके का जुड़ाव रहा उस पर हम ध्यान देंगे और फिर अंतर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के रूप में उन्होंने जो एक प्रमुख विचार व्यक्त किया और ख़ासतौर पर उस समय जबकि भारतीय राष्ट्रवाद अपनी अंगड़ाई लेने की स्थिति में था वहाँ पर जब उन्होंने विचार किया व्यक्त किया तो यह काफ़ी एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में है जिस पर हम ध्यान देंगे और एक उदारवादी नारीवादी के रूप में आखिर में हम उनका मूल्यांकन करेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि पंडिता रमाबाई का जन्म अठारह में हुआ था तेईस अप्रैल अठारह में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोंगरे था केशव चंद्र सेन ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की थी असल में इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अपनी बेटी को यानी कि रमा बाई को भी संस्कृत सिखाया और रमाबाई ने बचपन में ही काफ़ी कुछ अध्ययन किया संस्कृत के ग्रंथों का और यह उस समय अपने आप में एक अनूठी बात इसलिए थी क्योंकि आमतौर पर जो लड़कियां थीं उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी और यदि शिक्षा दी जाती थी तो बहुत ही घरेलू कामों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी जिससे वो एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बन पाएँ तो ऐसे में उनके पिता काफ़ी उदार थे और उन्होंने यह प्रयास किया कि उनकी बेटी को संस्कृत के जो महान ग्रंथ हैं उनकी जानकारी मिले हालांकि उनके आ, माता और पिता दोनों का जल्द ही देहांत हो गया महाराष्ट्र में जब भीषण अकाल पड़ा उसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन का भी देहांत हो गया इसके बाद आ, पंडिता रमाबाई जो कि बाद में पंडिता रमाबाई कही गई वे अपने भाई के साथ कोलकाता चली गई यहाँ इनके ज्ञान की ख्याति काफ़ी फैल गई जिनकी जिसकी वजह से कोलकाता विश्वविद्यालय ने इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की तो कई बार आ, इनके इनके नाम को रमाबाई सरस्वती के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है पंडिता रमाबाई ने आगे चलकर रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए एक कायस्थ वकील विपिन बिहारी मेधावी से शादी कर ली कुछ दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई जिसके बाद आ, इन्होंने अपना जीवन महिला शिक्षा बाल विवाह एवं विधवाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया इनके पति से इन्हें एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम मनोरमा था और मनोरमा इनके साथ एक लंबे समय तक रहीं और हालांकि 1921 में मनोरमा का देहांत हो गया लेकिन एक विधवा और एक अकेली माँ के रूप में रमाबाई ने न सिर्फ रूढ़िवादी समाज की वर्जनाओं को तोड़ा बल्कि उन्होंने आ, अन्य विधवा महिलाओं या अशक्त महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम भी किया पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की अठारह में और फिर वे मिशनरी गतिविधियों में भी शामिल हो गई इन्होंने तात्कालिक पुरुषवादी एवं ब्राह्मणवादी समाज की परंपराओं एवं मान्यताओं पर तर्कों के साथ आलोचना करना प्रारंभ किया और महिलाओं की निम्न स्थिति पर सवाल उठाना शुरू किया साल अठारह में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए एक कमीशन गठित की जिसमें पंडिता रमाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में उन्होंने महिला शिक्षकों महिला डॉक्टरों और महिला इंजीनियरों की आवश्यकता पर बल दिया अपने आप में उनका उनकी यह बात इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय महिलाएं कई तरह के परेशानियों का सामना करती थीं महिलाओं से संबंधित मसलों पर आ, काम करने वाले लोगों की कमी थी और महिलाओं की भूमिका जो है वो घरों तक सीमित मान ली जाती थी तो आ, उन्होंने यह कहा कि वास्तव में अगर महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना है और बड़े रूप में समाज की स्थिति को बेहतर बनाना है तो ज़रूरत यह है कि महिला शिक्षकों की भर्ती की जाए जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पढ़ा पाएँ महिला डॉक्टर हों खासतौर पर इसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ होती हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होती हैं और जब तक महिला डॉक्टर नहीं होंगी रमाबाई यह मानती थी तब तक इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा और इसी तरीके से वो महिला इंजीनियरों की भी बात करती हैं तो कुल मिलाकर वो चाहती हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो काम हैं जो घर के बाहर के जो दायरे माने जाते हैं उसमें जो काम हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए आगे मैं इस बात की व्याख्या करूँगा कि पंडिता रमाबाई की जो यह सोच है वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा रेडिकल होती गई शुरुआत में वो काफ़ी हद तक एक सीमा में बंद कर अपने विचारों को रखती हैं अपनी पहली पुस्तक में पर धीरे धीरे करके वो ज़्यादा रेडिकल रूप में अपने विचारों को रखती हैं बहरहाल वो जो रमाबाई की ज़िंदगी थी उसमें वो यह चाहती थी कि वो महिलाओं के लिए एक सदन एक गृह की स्थापना करें क्योंकि भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति अत्यंत बुरी थी उस समय और तो वो उन्होंने पहले वो इंग्लैंड गई और फिर इंग्लैंड में जब उन्हें ज़्यादा पैसे की सहायता नहीं मिली तो वो फिर अमेरिका गई इस पहलू की हम आगे और विस्तार से बातचीत पर बातचीत करेंगे लेकिन मुख्य बात यह है कि वो आ, विवेका वो आ, अमेरिका गई थी और एक अन्य इसमें घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जब विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना व्याख्यान दे रहे थे तब तो वहाँ पर बाहर रमाबाई की अगुवाई में कई महिलाएँ उनके खिलाफ़ प्रदर्शन करते हुए यह सवाल उठा रही थी कि यदि हिंदू धर्म इतना महान ही है तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति इतने दयनीय क्यों है इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के भाषण में महिलाओं की अनदेखी पर भी पंडिता रामाबाई द्वारा सवाल उठाया गया विवेकानंद का वह भाषण विश्व प्रसिद्ध है और उसमें जो भारत की जो अस्मिता है भारत की जो धार्मिक पहचान है उसकी उसके तमाम सकारात्मक पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया हालांकि यह सच है कि उस भाषण में अलग से स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की स्थिति की बात नहीं की लेकिन हम यह जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने उन्हें शिक्षा देने की बात कही और उन्होंने बाद में यह कहा कि हिंदुस्तान अगर या भारतवर्ष अगर पतन का शिकार हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के बारे में महिलाओं की शिक्षा के बारे में महिलाओं की उच्चतर स्थिति के बारे में ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उन्हें एक घर तक सीमित और मजबूर महिला में तब्दील कर दिया गया तो एक स्तर पर विवेकानंद धर्म की तार्किक व्याख्या उस समय कर रहे थे और वहाँ पर जो उनके संबोधन में एक सीमा थी उसकी आलोचना पंडिता रमाबाई कर रही थी लेकिन कुल मिलाकर हम जैसा मैंने आपको बताया कि बाद के दौर में विवेकानंद ने भी स्त्रियों के प्रश्न पर ध्यान दिए और हम उसकी भी तार्किक समीक्षा कर सकते हैं और विवेकानंद से आ, जुड़े हुए एपिसोड में हमने उस पर बात की है अगर हम वापस आ, इनके जीवन पर आए तो यानी कि रमा बाई के जीवन पर तो बाद के दौर में उन्होंने आ, जो अशक्त महिलाएं हैं उनके काम उनके उनसे संबंधित उनके कल्याण से संबंधित काम से खुद को तक खुद को सीमित रखा और 1921 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की या कैसर ही हिंद की उपाधि से सम्मानित किया रमाबाई इस समय तक काफ़ी बीमार रहने लगी थी और यह पुरस्कार उनकी पुत्री ने ही लिया उनके बदले में मनोरमा ने आखिरी वक्त उनका काफ़ी कष्टों में गुजरा वो खुद बीमार रहती ही थी आ, इसके साथ ही जो उनकी पुत्री थी मनोरमा उनका 40 वर्ष की आयु में देहांत हो गया और इसके बाद वर्ष 1922 में रमाबाई का भी देहांत हो गया रमा बाई इसलिए भी एक जागरूक या रेडिकल महिला के रूप में सामने आती हैं क्योंकि उन्होंने अकेली माँ के रूप में ना सिर्फ अपने पुत्री का पालन पोषण किया बल्कि अपने जैसी तमाम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया अपने लेखन और अपने संबोधनों के द्वारा उन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार डाला और इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की इस बात को सामने लाने की कोशिश की कि जो समाज में जो विधवा महिलाएं हैं जो अशक्त महिलाएं हैं जो अलग अलग तरह की हिंसा या वंचना के शिकार महिलाएं हैं उन्हें भी समानता के साथ सम्मान के साथ गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है तो उन्होंने अपना जीवन तो इस दिशा में इस रूप में जिया ही अपने लेखन के माध्यम से भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उठाई आ, इनके जीवन के संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम रमाबाई मेधावी रखा गया इसी के साथ यूरोपियन चर्च द्वारा पाँच अप्रैल को उनकी याद में फिस्ट डे मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा अठारह में रमाबाई की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया पंडिता रमाबाई की प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक पुस्तक ध धर, स्त्री धर्म नीति मराठी में लिखी गई और यह अठारह में प्रकाशित हुई आ, दूसरी पुस्तक अठारह में प्रकाशित हुई क्राई ऑफ इंडियन वीमेन्स और इस यह पुस्तक भी मराठी में लिखी गई थी और उसके बाद हाई कास्ट वेमेन एक जो सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है दी हाई कास्ट हिंदू वीमेन तो उस पुस्तक में पंडिता रामायण बाई के विचार काफ़ी रेडिकल रूप में आते हैं यह अठारह में प्रकाशित हुई थी अब हम आ, रमाबाई के कुछ विचारों की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचारों में किस तरीके के सूत्र सामने आते हैं और समय के साथ क्या इनके विचारों में कुछ बदलाव हुआ और इस संदर्भ में उनके जीवन की कुछ घटनाओं पर हम फिर से वापस जाएंगे जिससे हमें इनके विचारों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि पंडिता रमाबाई अगर हम इनके जन्म वर्ष को ध्यान दें तो अठारह की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक वर्ष बाद इनका जन्म होता है और वो एक ऐसे दौर में उभर कर आ, सामने आती हैं एक ऐसे दौर में बड़ी होती हैं जहाँ पर भारत की सामाजिक जीवन में कई तरह के उथल पुथल हो रहे थे कई तरह के आंदोलन पुनरुत्थानवादी या सुधारवादी आंदोलन उभर कर सामने आ रहे थे जिसमें कि हिंदू धर्म के भीतर और कुछ हद तक इस्लाम के भीतर भी सुधार करने उसे और बेहतर बनाने उसके मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने उसके बारे में लोगों के मन में एक गहन सम्मान का भाव पैदा करने जैसी कोशिशें की जा रही थी उसकी कुरीतियों से इन धर्मों की कुतियों से लड़ने की कोशिश भी अनेक सुधारवादी कर रहे थे हमने हम इस संदर्भ में आर्य समाज का उल्लेख कर सकते हैं कुछ कोशिशें ब्रह्म समाज के द्वारा भी इस दौर में भी की जा रही थी विवेकानंद के पूरे जीवन को भी हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं और उसी तरीके से आ, की कोशिशें जो हैं वो आ, अन्य धर्मों में भी देखी जा सकती हैं तो इस संदर्भ में जब आ, पंडिता रमाबाई सामने आती हैं तो वो मुख्य रूप से एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुई महिला के रूप में आगे बढ़ती हैं और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया लेकिन वो उनकी जो मुख्य चिंता है वह है भारत के समाज में और विशेष रूप से हिंदू धर्म के भीतर जो महिलाओं की अत्यंत बुरी स्थिति थी उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और इस संदर्भ में वो बहुत सारे काम करती हैं बहुत सारा लेखन करती हैं और विदेश में जाकर इस मुद्दे पर लोगों को या विचारों को गुलबंद करने की कोशिश करती हैं तो इन्हें भी हम एक सुधारवादी धारा के रूप में रख सकते हैं जहाँ पर एक महिला विद्वान के रूप में उन्होंने लगातार यह कोशिश की कि जो हिंदू समाज की जो सीमाएं हैं उनको उजागर किया जाए और महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए तो अगर हम इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रमाबाई के विचारों तक जाते हैं तो उसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं रमाबाई की पहली पुस्तक स्त्री धर्म नीति अठारह में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक महिलाओं की नैतिकता के मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है इसमें वे अनपढ़ और अज्ञानी महिलाओं से यह कहा गया है या वो ये कहती हैं कि वे आत्मनिर्भरता और स्वशिक्षा के माध्यम से खुद को संस्कृति में ढालें इस पुस्तक में वे महिलाओं को यह सुझाव देती हैं कि कैसे वे अपनी पसंद से विवाह करने की तैयारी करें अपने भरोसेमंद पति के साथ की की साथी या दोस्त बने आदर्श माँ बने तथा आध्यात्मिक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ें वे सीता सावित्री को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती हैं निश्चित रूप से इस पुस्तक में उनका नारीवाद आदर्श परिवार के भीतर महिला को आदर्श पत्नी और माँ बनने की सीख देता है वे महिलाओं को अपने पसंद से विवाह करने और देरी करने का सुझाव अवश्य देती हैं किंतु पूरी तरह से परिवार विवाह और महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाने तक सीमित यह पुस्तक एक अत्यंत सीमित नारीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है तो एक लिहाज से जब पंडिता रमाबाई ने अपनी यह पुस्तक प्रकाशित की और उस पुस्तक में आ, वो यह कोशिश करती हैं कि महिलाओं के भीतर शिक्षा को लेकर एक आ, भावना को भरा जाए और महिलाओं को वो यह भी संदेश देने की कोशिश करती हैं कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो पति है वह एक दोस्त हो सकता है एक साथी हो सकता है तो उसके साथ एक समानता का व्यवहार हो और माँ के रूप में जो स्त्री की भूमिका है उसे वो अच्छे तरीके से निभाएँ और उनका जोर इस बात पर है कि परिवार के भीतर भी कैसे महिलाएं न सिर्फ स्व शिक्षा हासिल करें बल्कि अपनी संस्कृति को जानें और वो इस बात का फैसला करने में समर्थ हों कि उन्हें किस तरीके का जीवन साथी चाहिए तो परिवार के दायरे के भीतर का विमर्श होने और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर अत्यधिक जोर देने सीता और सावित्री को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के बावजूद भी यह पुस्तक कुछ हद तक महिलाओं के अधिकारों की बात को आगे बढ़ाती है और यह भी एक रूढ़िवादी समाज में एक बहुत बड़े अधिकार की मांग करना था कि महिलाएं जो हैं वो चाहें तो विवाह में थोड़ी देरी कर सकती हैं या महिलाएं जो हैं वो अपने पसंद का जीवनसाथी चुन सकती हैं या वे अपने पति से यह उम्मीद कर सकती हैं कि वह उनके साथ दोस्ताना या एक साथी के रूप में व्यवहार करें ना कि एक मालिक के रूप में तो निश्चित रूप से उनकी जो ये पहली पुस्तक है उसमें कई तरह की सीमाएं हैं अगर हम वर्तमान दौर में नारीवाद के विकास के संदर्भ में इस चीज़ को देखें तो वो सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं क्योंकि वो महिलाओं की भूमिका को एकदम से परिवार के भीतर देखते हुए उसे व्याख्यायित करती हैं और ऐसा लगता है कि वो एक नैतिक मूल्यों की संहिता प्रस्तुत कर रही हैं लेकिन अगर हम नज़दीक से जाकर विश्लेषण करते हैं तो हमें पाते हैं कि उस उस दायरे के भीतर भी वो एक तरीके के क्रांतिकारी विचार को प्रस्तुत कर रही हैं और अगर हम उस समय के भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखें तो यह विचार और ज़्यादा क्रांतिकारी लगते हैं रमाबाई असल में एक विधवा गृह की स्थापना करना चाहती थी लेकिन पूरे के रूढ़ीवादी समाज ने उन्हें कोई खास समर्थन नहीं दिया रमाबाई खुद वैधव्य का शिकार हुई थी उनके पति का देहांत हो गया था और उस समय यह माना जाता था कि एक विधवा स्त्री का पति जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो चुका होता है हालांकि सती प्रथा पर पाबंदी पहले ही लग चुकी थी लेकिन अभी भी यह माना जाता था कि जो विधवा स्त्री है उसके कई जगहों पर उसके सिर के बाल साफ़ कर दिए जाते थे कई जगहों पर उससे यह उम्मीद की जाती थी कि वो खान पान में रहन सहन में वस्त्रों को पहनने में एक ऐसे जीवन को अपनाए जिस जीवन में कोई रस ना हो जिस जीवन में कोई आकर्षण ना हो और अधिकांशतः ये चीज़ें थोपी जाती थी तो और कई बार उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया जाता था संपत्ति में तो उनका अधिकार ना हो इसके लिए कई कोशिशें की जाती थी कि उन्हें कुछ भी ना मिले तो इस लिहाज से महिलाओं की जिंदगी बहुत दयनीय हो जाती थी जब उनके पते का देहांत हो जाता था तो रमाबाई जिन्होंने खुद अपने जीवन में इस तरह के त्रासदी झेली थी वो यह चाहती थी कि महिलाओं के लिए वो एक महिला सदन या महिला निवास की जैसी संस्था बनाएं, जहाँ पर इस तरह के वैधव्य को झेल रही महिलाएं, विधवा जीवन के प्रताड़ना को झेल रही महिलाएं आएं और रहें और वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पुणे के समाज में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली इसलिए वे इस सिलसिले में मदद पाने के लिए ब्रिटेन चली गई और यहाँ वे बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर बर्टले फ्रेरे से मिली उन्होंने उनसे मदद के लिए अपील करने हेतु मूल रूप से मराठी में एक दस्तावेज़ तैयार किया जो क्राई ऑफ इंडियन वूमेंस के नाम से अठारह में प्रकाशित हुआ इस पर ताराबाई शिंदे आनंदी बाई जोशी जैसी आरंभिक नारीवादियों का भी प्रभाव था इसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने को सभी समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया उन्हें यह उम्मीद थी कि महिलाएं शिक्षित होकर ब्राह्मणवाद को नकार देंगी और पवित्र साहित्य के भ्रम से बाहर निकलेंगी आ, और मैंने इस बात का पहले उल्लेख किया है कि अठारह में एजुकेशन कमीशन के सम्मुख दिए गए अपने बयान में भी उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षकों और स्कूलों की मांग की थी इस तरह रमाबाई ने आगे चलकर उच्च जाति की विधवा महिलाओं के मुद्दों को उठाया जो उनके लिए पितृसत्तात्मक दमन का प्रतीक थी और यहाँ हम ये देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रमाबाई असल में यह कोशिश करते हुए आगे बढ़ती हैं कि कैसे महिलाओं के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनके समाधान को ढूंढा जाए तो जो उनकी पहली पुस्तक है उससे वो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ती हैं क्योंकि वो अपने हम उम्र और अपने साथी अन्य महिलाओं से लगातार संवाद में रहती हैं जो कि इसी तरीके के मुद्दों को उठा रही थी तो इससे उनके विचारों में भी काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है और वो समाधान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं और वो जो इनकी पहली पुस्तक थी उससे आगे बढ़ते हुए अपनी अगली पुस्तक में इस बात पर जोर देती हैं कि जो भी महिलाएं त्रासदी को झेल रही हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें शिक्षा मिले इसके लिए अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशन कमीशन में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिला डॉक्टरों और महिला इंजीनियरों को बढ़ाने की भी मांग की थी और आगे वो चलकर वो पितृसत्ता की और ज़्यादा तीखी आलोचना करती हैं तो पहले स्तर पर वो कुछ नागरिक अधिकार महिलाओं को दिलाना चाहती हैं ठीक वैसे ही जो पुरुषों को प्राप्त हैं और विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार और उसके साथ ही साथ अगर जो कई सारे काम जहाँ महिलाएँ नहीं हैं पर जिनका महिलाओं के जीवन से सीधा जुड़ाव है उनमें महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की बात करती हैं डॉक्टर बने इंजीनियर बने या फिर वो शिक्षिका बने तो इस तरह की बातों से आगे बढ़ते हुए वो फिर पितृसत्ता की भी तीखी आलोचना प्रस्तुत करती हैं रमाबाई ने आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया संस्कृत की एक विदुषी के रूप में उन्हें संस्कृत के अंतर्विरोध संस्कृत ग्रंथों के अंतर्विरोध बहुत साफ तरीके से देखते थे उन्होंने जाति व्यवस्था के तत्कालीन स्वरूप को वेदों और उपनिषदों के माध्यम से ही खारिज किया इसके लिए उन्होंने कर्म के आधार पर चार वर्ड होने की बात दोहराई लेकिन धीरे धीरे वो इन ग्रंथों के मोह से दूर होती गई यानी कि वो ये मानती थी कि जो अधिकांश पुरातन संस्कृत ग्रंथ हैं उन्होंने इस रूप में जाति व्यवस्था की बात नहीं की थी जैसा कि उस समय के समाज में अस्तित्व में था वो यह कहती थी कि पहले चार वर्णों की व्यवस्था थी जो कि कर्म के आधार पर थे और ये विकृतियों के रूप में हैं लेकिन धीरे धीरे करके वो इस तरीके के मुँह पाश से दूर होती गई और उन्होंने सीधे तौर पर संस्कृत ग्रंथों की आलोचना शुरू कर दी उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की वे यह मानती थी कि महिलाओं के बहिष्करण और दमन के लिए मुख्य रूप से यही ग्रंथ जिम्मेदार हैं उन्हें यह एहसास हो गया था कि संस्कृत की पवित्र पुस्तकों में महिलाओं के बारे में निंदनीय विचार दर्ज हैं उन्होंने यह कहा कि धर्म पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रूपों में सामने आता है और इसमें महिलाओं को खुद को परिवार तक सीमित रखने और अपने पतियों को ईश्वर मानने की अपेक्षा की जाती है जब वे इंग्लैंड में थी तो अठारह में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और इसके पीछे हिंदू धर्म से होने वाले उनके मोहभंग की भी एक भूमिका रही क्योंकि उस उन्होंने यह एहसास किया कि महिलाएं खुद को हिंदू धर्म में इस बात के या हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि महिलाएं खुद को परिवार तक सीमित रखें और वो अपने पति को ईश्वर के रूप में माने तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंदू धर्म की में जो स्त्रियों की स्थिति है वो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में है और अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो ईसाई धर्म को अपना लेंगी और अठारह में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया विधवा सदन की स्थापना के, के लक्ष्य को लेकर वे अठारह में अमेरिका चली गईं और वहाँ वे तीन वर्षों तक रहीं वहीं अठारह में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक हाई कास्ट हिंदू विमेन प्रकाशित हुई इसमें उन्होंने उच्च जाति की हिंदू परिवारों की महिलाओं पर पितृसत्ता के नियंत्रण का वर्णन किया इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि निम्न जाति की महिलाओं की स्थिति उच्च जाति की महिलाओं से अच्छी होती है वे आत्मनिर्भर होती हैं और उनके पास ज़्यादा आज़ादी होती है और जो उच्च जाति की महिलाएं होती हैं विशेष रूप से ब्राह्मण जाति की महिलाएं उनके बारे में पंडिता रामाबाई का मानना था कि उन पर आ, जो परंपराएं हैं जो धार्मिक रूढ़ियां हैं उनका ज़्यादा असर होता है और वो उससे बंदी होती हैं और इस पुस्तक में उन्होंने एक उच्च जाति के महिला के जीवन के तमाम पहलुओं का वर्णन किया वे महिला के बचपन का अवलोकन करते हुए कहती हैं कि बच्चे की देखभाल तथा उसके प्रजनन का बोझ किसी देश में महिला के ऊपर इतना नहीं लादा जाता जितना कि भारत में लादा जाता है अधिकतर मामलों में पत्नी अपने पति को लुभाने के लिए पुत्र को जन्म देने की इच्छा रखती है गरीब से गरीब तथा अमीर से अमीर परिवार की महिला भी अधिकांशतः ऐसा ही विचार रखती है बहुत सी महिलाओं ने स्वयं यह दुखद दास्तान सुनाई है कि जिन्होंने पुत्री के जन्म के कारण या कोई संतान ना होने के कारण अपने पति का प्यार खो दिया ये उस समय की महिलाओं के जीवन में जो पुत्र को जन्म देने का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवार में सम्मान या पति का प्यार पाने का था उसके बारे में पंडिता रमाबाई का वर्णन है लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के समाज में अभी भी अवलोकन करें तो यह स्थिति बहुत नहीं बदली है हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जिनका आधुनिक विचारों से थोड़ा संपर्क हुआ है जो छोटे परिवारों की आदर्श को मानने लगे हैं वहाँ इस तरीके का के विचार अब उतने प्रभावी नहीं हैं लेकिन बहुत सारे स्थानों पर अभी भी यह माना जाता है कि जो पुत्र है उसकी प्राप्ति एक अच्छी चीज़ है और वो परिवार के लिए एक सकारात्मक घटना है और इसी बात का वर्णन पंडिता रमाबाई भी कर रही हैं कि कैसे हिंदुस्तान में जो स्त्रियां हैं उनकी घर में स्थिति पत्नी की नज, नजर पति के नज़र में उनकी स्थिति पुत्र के जन्म देने पर निर्भर करती है रमाबाई अंधविश्वास पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि अंधविश्वासी औरतें तो बच्चा पैदा होने से पहले ये कोशिश करती हैं कि लड़की की जगह लड़का पैदा हो पुत्र प्राप्ति के लिए माताएँ प्रार्थना करती हैं तथा नियमित रूप से जड़ी बूटियाँ खाती हैं पेड़ों तथा पुत्र प्रदान करने वाले भगवानों की पूजा करती हैं ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ माताएं गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में गर्भाशय में पल रही संतान को पुत्र से पुत्री से पुत्र में बदलने के लिए संस्कार भी करती हैं इतना सब करने पर भी लड़कियां हिंदू के घर में पैदा हो जाती हैं या प्रकृति के खिलाफ पैदा हो जाती हैं एक या एक से ज़्यादा लड़के पैदा होने के बाद लड़की के पैदा होने पर उसका स्वागत किया जाता है अन्यथा नहीं और जिनका जो पूरा वर्णन है उसको हम समकालीन भारत के समाज के हिसाब से भी देख सकते हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि यह स्थिति पूरी तरीके से बदली है ऐसा नहीं है तो पंडिता रामाबाई यह बताती हैं कि एक जो उच्च जाति की हिंदू स्त्री है और वो उस पर जोर देती हैं और वो पिछड़ी जाति की महिलाओं को तुलनात्मक तो रूप से स्वतंत्र मानती हैं लेकिन काफ़ी हद तक ये हिंदुस्तान की हर महिला के सच्चाई लगती है कि पुत्र को जन्म देने का उसके जीवन में बड़ा ही अहम रोल हो जाता है पंडिता रमाबाई आगे लिखती हैं कि ऐसी परिस्थिति में माताओं को बहुत दिनों बाद लड़की पैदा होती है तथा उसके पैदा होने के बाद दोनों अभिभावक लड़के से बहुत प्यार करते हैं लेकिन ये क्रूर रिवाज अभिभावकों को पत्थर दिल बना देता है विशेषतः हिंदुओं में ऐसा पाया जाता है यानी कि अगर तीन चार लड़के हो गए फिर लड़की होती है तो अभिभावक उसका स्वागत करते हैं या बहुत दिनों से कोई संतान पैदा नहीं हो रही है उसके बाद अगर लड़की का जन्म हो जाए तो अभिभावक उसका स्वागत करते हैं लेकिन मोटे तौर पर जो माता पिता होते हैं वो यह चाहते हैं कि उनको लड़की प्राप्त हो और हिंदू महिला के बचपन के बारे में अपने पुस्तक में पंडिता रमाबाई ने लिखा है कि मनुस्मृति के एक उद्धरण के अनुसार एक पुत्री एक पुत्र के समान है इस कथन में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन कानून पुरुष बालक की सर्वोच्चता पर आधारित है सभी आशीर्वाद एक पुत्र का दर्शाते हैं इसके बावजूद क्योंकि एक एक हिंदू की यह इच्छा होती है कि परिवार में एक पुत्र का जन्म होने से ही पिता को मुक्ति मिल पाएगी उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं जिसका कोई पुरुष संतान ना हो रमाबाई के अनुसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में जब एक बालिका या एक महिला बड़ों को प्रणाम करती है तो वे उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भगवान करे तुम्हें आठ पुत्र हों और तुम्हारा सुहाग बना रहे इससे पता चलता है कि पुत्री को प्राप्त करने की किसी की भी इच्छा नहीं है उन्हें तो किसी और की संपत्ति माना जाता है एक पुत्री का अपने अभिभावकों की वृद्धावस्था में कोई भी महत्व नहीं समझा जाता यदि दुर्भाग्य से कोई पत्नी केवल पुत्रियों को जन्म दे तो मनु का आदेश है कि उसके पति को किसी अन्य महिला से संबंध बना लेना चाहिए तो इस लिहाज से वो प्राचीन ग्रंथों की सीमाओं को भी दिखाती हैं और सामाजिक स्तर पर मौजूद विश्वासों को दिखाते हुए कहती हैं कि कैसे जो पुत्री है वह एक ऐसी इच्छित वस्तु नहीं मानी जाती है पुत्र की तुलना में जिसकी अभिभावक इच्छा करें अगर पुत्री हो जाती है एक लंबे अंतराल के बाद तो भले ही लोग उसका स्वागत कर लेते हैं लेकिन हमेशा ही यह माना जाता है कि पुत्र का होना व्यक्ति के लिए जरूरी है और वो बताती हैं कि पुरुष यह सामाजिक आधार पर यह मानते हैं कि उसी पुरुष को मुक्ति मिलती है जिसका एक पुत्र हो या वे यह मानते हैं कि पुत्रियां जो होती हैं वो किसी और के संपत्ति होती हैं तो उन्होंने अपने सामाजिक अध्ययन के आधार पर अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि कैसे जो एक स्त्री होती है उसकी ज़िंदगी होती है पुत्रों को जन्म देने के संदर्भ में या अगर वो पुत्री है तो उसके जन्म होने से पहले ही समाज उसके बारे में क्या सोच रहा होता है महिला के विवाहित जीवन का भी वो अलग से अवलोकन करती हैं रमाबाई हिंदू महिला के वैवाहिक जीवन के संबंध में कहती हैं कि मनुस्मृति के अनुसार एक उच्च जाति की लड़की को तो विवाह योग्य न्यूनतम आयु आठ वर्ष है और अधिकतम बारह वर्ष यदि माता पिता इस बीच अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं तो वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे रमाबाई ने कहा कि इस कारण हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा थी उनका विवाह पाँच से ग्यारह वर्ष में कर दिया जाता था जब उन्हें विवाह की कोई समझ नहीं होती थी उत्तरी भारत में आमतौर पर पर परिवारों में एक नाई रखा जाता है जो लड़के और लड़कियों का विवाह के लिए चयन करता है माता पिता द्वारा बाहर जाकर स्वयं अपने बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढना शर्मनाक माना जाता था हिंदू धर्म में विवाह की आलोचना करते हुए रमाबाई का कहना है कि हिंदू रीति में विवाह केवल एक संस्कार है जिसमें कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और केवल उन पुरुषों के का परिचय का परिचायक है ज, या इसमें केवल उस पुरुष का परिचय मात्र दिया जाता है जिससे लड़की शादी कर रही है इस तरह लड़की शादी के बाद पति की संपत्ति बन जाती है यही नहीं शादी के बाद उसे लड़के का गोत्र या नाम अपनाना पड़ता है और भारत के कुछ हिस्सों में शादी के बाद लड़की को उस नाम से भी नहीं बुलाया जाता जो उसके माता पिता उसे देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी इस तरह की परंपरा देश के कई भागों में बनी हुई है इसके बाद इस पुस्तक में रमाबाई विधवा जीवन का अवलोकन करती हैं वे कहती हैं कि पूरे भारत में विधवा होना ही एक सजा माना जाता है यह सजा उस अपराध या अपराधों के लिए है जो महिला ने धरती पर अनजाने में किए हैं सजा अपराध के हिसाब से ज़्यादा या कम भी हो सकती है पति का कहना ना मानना एक अपराध है जिसकी सजा वैधव्य के रूप में मिलेगी यदि विधवा लड़की की माँ है तो उसकी स्थिति अधिक दयनीय नहीं होती यद्यप उसे भी पापी समझा जाता है बूढ़ी विधवा को एक युवा विधवा से कम उत्पीड़न सहने पड़ते हैं रमाबाई बताती हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद महिला या तो सदाचारी बने या पति की चिता पर बैठ जाए बाद में इसी नियम ने सती प्रथा का रूप ले लिया क्योंकि यही स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा था ढक्कन के ब्राह्मणों में सभी विधवाओं के सिर मुंडवा दिए जाते थे चौदह पंद्रह साल की विधवा लड़कियां यह समझ ही नहीं पाती थीं कि उनके साथ यह क्यों हो रहा है उन्हें एक समय ही भोजन दिया जाता था वे परिवार के उत्सवों में शामिल नहीं हो सकती थी उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था और ये जो पूरा एक वर्णन है रमाबाई का महिलाओं के या स्त्रियों के जीवन के बारे में कुछ हद तक समकालीन समय में भी हम उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि मौजूदा समय में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रमाबाई की स्त्रियों के जीवन की विडंबनाओं की समझ को दिखाता है जो न सिर्फ उनके अपने अनुभव से आया था बल्कि समाज में जो उन्होंने देखा था जिस तरीके की परंपराओं का जिस तरीके के जीवन के औरतों के जीवन का अनुभव उन्होंने किया था उसको उन्होंने इस पुस्तक में दिखाने की कोशिश की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वो बताती हैं कि स्त्रियों के या लड़कियों के जन्म समय से लेकर उनके विवाह से ले और उनके विधवा बनने तक इस पूरी स्थिति में जो महिला का जीवन होता है वह एक तरीके से पुरुष से काफ़ी निम्न नीचे होता है लड़कियों को को लोग नहीं चाहते हैं कि वो परिवार में आएँ उससे ज़्यादा रमाबाई के अनुसार पुरुषों की चाह होती है और एक माँ के जीवन में सामाजिक परंपराओं के कारण यह चीज़ चक्कर काटती रहती है कि यदि वो पुत्र को जन्म देती है तो वो उसकी परिवार में या अपने पति की नज़र में स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी और वो विवाह के वर्णन में यह बताती हैं कि विवाह में बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था लड़कियों को अपने पति के चयन में आ, कोई हक नहीं होता था कुछ भी बोलने का और आमतौर पर यह भी माना जाता था कि जो लड़कियां होती हैं वो पति के संपत्ति होती हैं उनका सरनेम बदल जाता है और कई स्थानों पर रमाबाई ये बताती हैं कि उनका नाम भी बदल जाता है और फिर विधवा जीवन के बारे में भी उन्होंने यही बताया है कि कैसे विधवा जीवन जो है वो स्त्रियों के पापों का परिणाम माना जाता है और फिर जब उनके पति गुजर जाते हैं तो कई बार पहले सती प्रथा हुआ करती थी अब अगर सती प्रथा नहीं है तब भी उन्हें उत्सव में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती है कई भागों में हिंदुस्तान के कई भागों में उनका सिर मुंडा दिया जाता है और कई भागों में उन्हें उत्सव से दूर रखा जाता है ये जो तमाम स्थितियां हैं उसमें वर्तमान समय में तो काफ़ी बदलाव हुआ है लेकिन जो रमा बाई हैं वो यह दिखाना चाहती हैं अपने समय के समाज के बारे में कि स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय है और विशेष रूप से जो स्त्रियां वैधव्य या विधवा जीवन का शिकार हो जाती हैं उनके लिए तो त, आ, दुनिया के तमाम खुशियाँ और समाज में उनकी स्थिति सब कुछ दाव पर लग जाती है तो इस लिहाज से वो महिला मुक्ति के प्रश्न को उठाती हैं और उसमें उनका मुख्य ध्यान विधवा महिलाओं की स्थिति पर जाता है रमाबाई ने भारत की महिलाओं और विशेष रूप से उच्च जाति की महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया अमेरिका में अपने संबोधनों के माध्यम से पैसा एकत्रित कर भारत लौटी तो उन्होंने पूना में शारदा सदन का निर्माण किया उनके लिए विधवाओं को सहारा देना सबसे प्रमुख काम था इसलिए उन्होंने यहाँ पर धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई लेकिन उनकी इस धार्मिक तटस्थता की नीति से इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और शारदा सदन की इस नीति पर प्रश्न भी खड़े किए असल में जब पंडिता रमाबाई ईसाई धर्म को अपना चुकी थी तो ईसाई चर्च की यह अपेक्षा थी कि वो ईसाई धर्म का प्रसार करने का काम करेंगी और जब उन्होंने धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई तो चर्च के लोगों को यह बात बहुत पसंद नहीं आई लेकिन ये बात सिर्फ चर्च की नाराज़गी तक ही सीमित नहीं थी बल्कि बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने यह आरोप लगाया कि शारदा सदन में महिलाओं हिंदू विधवा महिलाओं को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है और इसी के कारण बहुत से जो पुणा शहर था वहाँ के बहुत से वरिष्ठ लोगों ने शारदा सदन की गवर्निंग बॉडी से अपना नाम वापस ले लिया और स्थिति यहाँ तक पहुँची कि प्रेस द्वारा शारदा सदन को विडो मिशन हाउस कहा गया यानी कि एक तरफ जो पंडिता रामाबाई थी उन्हें क्रिश्चियन कम्युनिटी की निंदा और क्रिश्चियन चर्च की निंदा का सामना करना पड़ा या नाराजगी का सामना करना पड़ा कि वे आ, धार्मिक तटस्थता की नीति अपना रही हैं क्योंकि उम्मीद यह थी कि वे ईसाई धर्म के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और दूसरी तरफ चूंकि वो खुद ईसाई बन चुकी थीं तो उनकी विधवा आश्रम या विधवा सदन शारदा सदन को इसलिए निशाने पर लिया गया क्योंकि यह कहा गया कि यहाँ हिंदू विधवाएं जाती हैं और उन्हें ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास होता है और उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने जो शुरू में इससे जुड़े थे उन्होंने इससे अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया अठारह के दशक के आखिरी वर्षों में पश्चिमी भारत में प्लेग फैला इस, इस स्थिति में रमाबाई शारदा आश्रम को पुना से हटाकर केट गाँव ले गई अब इसे मुक्ति सदन का नाम दिया गया क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू विधवा महिलाओं महिलाएं ही नहीं थीं बल्कि उनके साथ साथ अकाल पीड़ित सेक्सुअल हिंसा के शिकार नेत्रहीन और वृद्ध महिलाएं भी रहने लगीं यहाँ कुल 2000 महिलाएं रहती थीं ये महिलाएं खाना बनाने से लेकर बुनाई करने बागवानी और खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस चलाने जैसे काम करती थीं इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मुक्त होने के महत्व को समझाया गया मुक्ति सदन में महिलाओं के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था सभी महिलाओं को अपनी जीविका चलाने और लाभ वाले उत्पादन करने का प्रशिक्षण दिया जाता था यहाँ जो शारदा सदन से मुक्ति सदन की ओर बढ़ने की पूरी प्रक्रिया है वहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि जो पंडिता रामाबाई हैं उनकी विज़न में भी एक परिवर्तन होता है क्योंकि वो यह तो ज़रूर मानती थी कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं उनकी समस्याएं कम होती हैं उच्च जाति की महिलाओं से क्योंकि निम्न जाति की महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है लेकिन यहाँ जब वो मुक्ति सदन की बात करती हैं तो मुक्ति सदन की आ, या मुक्ति सदन का जब वो निर्माण करती हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ़ विधवाओं को ही नहीं बल्कि अन्य तरह की महिलाओं को भी आश्रय देती हैं ऐसी महिलाएँ जो किसी प्रकार की यौनिक या सेक्सुअल हिंसा का शिकार हुई हों या जो नेत्रहीन हों या जो जीवन की अन्य तमाम परेशानियों का सामना करते हुए अपने परिवार द्वारा त्याग दी गई हों उन सबको यहाँ पर शरण दी गई और यह जो शरण दी गई उस शरण देने में जाति को आधार नहीं माना गया क्योंकि मुक्ति सदन में तमाम तरह की महिलाएं रह रही थी इसके अलावा जो मुक्ति सदन की एक खास बात थी वह यह थी कि यहाँ पर जो महिलाएं थी वो हर तरह का काम करती थी खाना बनाने से लेकर बागवानी करने और तमाम तरीके के काम बुनाई करने और वो इसे सीखते हुए अपने आप को स्वावलंबी बनाना सीख रही थी तो एक सामुदायिक जीवन बेहतर सामुदायिक जीवन कैसा हो सकता है उसकी भी कोशिश मुक्ति सदन के द्वारा की गई तो ये मुक्ति सदन की जो पूरी घटना है वह पंडिता रामाबाई के उच्च जाति के पर ध्यान केंद्रित करने से सभी महिलाओं की ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को भी दिखाता है पंडिता रामाबाई के जीवन का जो एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी और उसके सम्मेलनों में भी उन्होंने भागीदारी की रमाबाई कांग्रेस के अठारह के बम्बई के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुई इसमें तकरीबन 2000 प्रतिनिधि आए थे इसमें सिर्फ तीन महिलाएं थीं और वे भी रमाबाई के प्रभाव के कारण वहां आई थीं। रमाबाई ने यहां प्रस्तावों पर अपने विचार रखे और जिन जिन प्रस्ताव पर उन्होंने विचार रखे वो विवाह विवा की उम्र बढ़ाने से संबंधित हैं और विधवा महिलाओं के सिर साफ़ कर देने से संबंधित हैं यानी कि वे चाहती थी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें आ, महिलाओं की विवाह की उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाए कि विधवा महिलाओं के सिर के बाल को साफ कर देना एक अत्यंत ही निकृष्ट किस्म की प्रथा है और कांग्रेस इसकी निंदा करती है या इसे अस्वीकार करती है या वह लोगों से यह उम्मीद करती है कि वो इस तरह की कुप्रथा का त्याग कर दें पंडिता रमाबाई ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यदि महिला फिर से विवाह कर लेती है तो उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जो कि एक अन्याय है और वो यह चाहती थी कि इस तरीके के अन्याय के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हो आ, उनके दोनों ही प्रस्ताव जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा बहुमत से स्वीकार कर लिए गए सम्मेलन में सदस्यों से यह कहा गया कि वे चौदह वर्ष से पहले अपनी लड़कियों का विवाह ना करें इस सम्मेलन के बाद रमाबाई की प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी और उन्हें विभिन्न स्थानों पर बोलने के लिए बुलाया जाने लगा यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से नेताओं ने इनके विचारों को सही नहीं माना मसलन बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें एक राष्ट्रीय आइकन मानने से इनकार कर दिया यहाँ बाल गंगाधर तिलक और रमाबाई के विचारों की असहमति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है बाल गंगाधर तिलक विवाह की उम्र को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने बाकायदा इसका विरोध किया हालांकि बाद में विवाह का उम्र बढ़ गया अठारह में बारह से चौदह वर्ष कर दिया गया लेकिन इसके साथ ही आ, तिलक जो थे वो यह मानते थे कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें सामाजिक सुधारों का जो प्रश्न है उसे बहुत ज़्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है उन्हें यह लगता था कि इससे आ, सामाजिक स्तर पर कटुता बढ़ेगी क्योंकि लोगों को यह लगेगा कि उनके धार्मिक मामलों में बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा है तो जो आम लोग हैं वो कांग्रेस से दूर होंगे इसके अलावा और तो, तो तिलक ने लगातार इस बात की कोशिश की और अठारह के बाद सामाजिक मुद्दों पर कांग्रेस ने एक स्टैंड लेना तकरीबन बंद ही कर दिया आ, जब गांधी आए तो फिर से ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ा और दलितों के मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी काम किया लेकिन एक इस मात्र कारण से तिलक इसका विरोध करते थे जो उनकी नज़र में काफ़ी महत्वपूर्ण कारण था और कई दूसरे लोग भी इसे सहमति रखते थे कि पह, कि अगर हम सामाजिक सुधार के मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो इससे सामाजिक धड़ेबंदी गुटबंदी तनाव बढ़ेगा तो हमारा पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि देश को राजनीतिक आज़ादी मिले या देश के लोगों के पास राजनीतिक सत्ता आए और अगर वो राजनीतिक सत्ता एक बार आ जाती है तो फिर इस तरह के सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है पंडिता रमाबाई यह मानने के लिए तैयार नहीं थी और उन्हें लगता था कि सामाजिक सुधारों के मुद्दों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इसके अलावा असहमति का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि बाल गंगाधर तिलक इस बात की सख्त मुखालफत करते थे कि धर्मांतरण होना चाहिए वो पश्चिमीकरण के भी खिलाफ थे वो यह मानते थे कि जो भी सुधार करने हैं वो हिंदू धर्म के दायरे के भीतर रहकर किया जाना चाहिए और पश्चिम की बहुत ज़्यादा तारीफ या पश्चिम से बहुत ज़्यादा एक मंत्रमुग्ध होने की स्थिति वाले जो लोग थे तिलक उन्हें पसंद नहीं करते थे और पंडिता रमाबाई ने तो खुद ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और आगे हम यह देखेंगे कि वे काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे स्थिति को वहाँ के लोकतंत्र की वो तारीफ़ करती हैं तो इस लिहाज से बाल गंगाधर तिलक ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं की बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं पंडिता रामाबाई को एक राष्ट्रीय आईकॉन नहीं मानता हूँ अब यहाँ हम अंतर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बारे में पंडिता रमाबाई के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे रमाबाई अठारह से फरवरी अठारह तक अमेरिका में रहीं वहाँ महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते हुए देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुईं इसके अलावा वहाँ कई ऐसी महिला संगठनों का अस्तित्व था जो वंचितों की सहायता करने और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही थीं। पश्चिम के ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी इन संगठनों का अस्तित्व था रमाबाई के अनुसार ये संगठन वहाँ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने अपने महत्व को समझ लिया था रमाबाई यह चाहती थी कि भारत में भी महिलाएं शिक्षित हों और हर तरह का काम करें रमाबाई ने कई स्तरों पर अंग्रेजी सरकार की आलोचना की अकाल के समय स्थिति को सही तरीके से ना संभालने के लिए उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन की आलोचना की उन्होंने अंग्रेजी सरकार की इसलिए भी आलोचना की कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति की आड़ में महिलाओं को सती या बहुपत्नी जैसे सामाजिक बुराइयों से बचाने पर ध्यान नहीं दे रही है असल में अगर राष्ट्रवाद को अत्यंत संकुचित तरीके से परिभाषित किया जाए तभी यह कहा जा सकता है कि रमाबाई देशभक्त या राष्ट्रवादी नहीं थी उन्होंने स्त्रियों विशेष रूप से विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने के अथक प्रयास किए उनके ये प्रयास उनके देश और समाज के प्रति प्रेम का ही प्रमाण थे रमाबाई के लेखन में यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आती है कि तो उन्हें सभी गैर साम्राज्यवादी पश्चिमी दुनिया के देश पसंद हैं और यहाँ गैर साम्राज्यवादी शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वो कहती हैं कि उन्हें गैर साम्राज्यवादी देश पसंद हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंग्लैंड जैसे साम्राज्यवादी देश को नापसंद करती हैं और उसे भारत के लिए आदर्श नहीं मानती हैं जैसे मैंने पीछे उदाहरण दिया कि ऐसे कुछ ही मौके रहे जहाँ पर उन्हें सीधे तौर पर अंग्रेजी शासन के का विरोध किया लेकिन हकीकत यह है कि आ, वो ज़्यादा ध्यान भारत की महिलाओं और विशेष रूप से विधवा महिलाओं के कल्याण की तरफ लगाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेजी अंग्रेज़ों की सरकार की मुखालफत नहीं की उनसे सीधा टकराव नहीं किया और यह चीज़ मुमकिन हो पाई जब भारतीय राष्ट्रवाद और ज़्यादा उच्चतर विकास की अवस्था में पहुँचा अगर हम इस पहलू को देखें तो इस पहलू को यानी कि अंग्रेजी सरकार के खुलकर आलोचना ना करने को तो हम यह पाएंगे कि असल में सिर्फ वही एक ऐसी समाज सुधारक नहीं थी जो अंग्रेज़ों की सीधे आलोचना से बच रही थी बल्कि कई अन्य समाज सुधारक मिसाल के तौर पर ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को सही माना क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इससे जो ब्राह्मणों का उपनिवेश है जो जो उनका दमन है निम्न जातियों का उससे मुक्ति का रास्ता खुलेगा कुछ हद तक इसी तरह की उम्मीद पंडिता रामाबाई को भी थी कि जो जिस तरह के जकड़न में जिस तरह के ब्राह्मणवाद के जकड़न में स्त्रियां फंसी हुई हैं उससे निकलने का रास्ता अंग्रेज़ों के शासन के द्वारा मिल सकता है और वो अंग्रेजी शासन की इस बात के लिए भी आलोचना करती हैं कि वो इन पहलुओं पर यानी कि स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं लेकिन क्या वे अंग्रेजों के शासन को एक आदर्श मानती थी तो इसका सवाल हमेशा नकारात्मक रूप से ही दिया जा सकता है क्योंकि पंडिता रामाबाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पश्चिम के सभी देश पसंद हैं ख़ासतौर पर वे देश जो गैर साम्राज्यवादी हैं जो दूसरे देशों को अपना उपनिवेश नहीं बनाते हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था की खुलकर तारीफ की वे मानती थी कि अमेरिका एक नागरिकों की प्रगति समानता अवसर और उनके अधिकारों को देने वाला देश है और इस लिहाज से वो अमेरिका को आदर्श मानती हैं वे इसे एक ऐसे देश के मॉडल के रूप में देखती हैं जिसका अनुकरण भारत जैसे उपनिवेशी देश को राजनीतिक आज़ादी और सामाजिक सुधार हासिल करने के लिए करना चाहिए बहुत से लोग यह समझ नहीं पाए कि अमेरिका की तारीफ़ और उसे भारत के लिए एक आदर्श उदाहरण बताकर वे अपने राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी विचारों को अभिव्यक्त कर रही हैं और वे एक आधुनिक भारत के निर्माण की बात कर रही हैं पारंपरिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने अमेरिकी मॉडल का अनुकरण करने के विचार को नकार दिया इसके कारण उनके राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर भी प्रश्न खड़े किए गए अब अगर हम अमेरिका के प्रति उनके आकर्षण को देखें तो चूंकि वो अमेरिका में रही थी और उन्होंने यह देखा था कि एक राष्ट्र राज्य के रूप में अमेरिका किस तरीके से अपना विकास कर रहा है और अमेरिका ने उस समय तक सीधे तौर पर किसी को किसी देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाया था और बाद के दौर में भी अमेरिका ने परोक्ष रूप से ही इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया वह एक बिल्कुल अलग विषय है जिस पर हम कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं लेकिन जो पंडिता रमाबाई थी उनके लिए अमेरिका एक ऐसे मॉडल के रूप में था जहाँ पर नागरिकों को बोलने का अधिकार था संगठन बनाने का अधिकार था एक ऐसा राष्ट्र राज्य जो अपने नागरिकों के इन अधिकारों का न सिर्फ सम्मान करता था बल्कि वह ये इस बात को भी सुनिश्चित करता था कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले और वे जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएँ तो इस लिहाज से वो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान भी इसी तरीके के मॉडल पर विकसित हो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो यहाँ पर नागरिकों के पास कुछ सुनिश्चित अधिकार हों यहाँ पर नागरिकों के पास यह अधिकार हों कि वो सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ अपने विचारों को अव्यक्त कर पाएँ और इसीलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे मैंने पहले रेखांकित किया कि अमेरिका की तारीफ़ करना और एक गैर साम्राज्यवादी देश की तारीफ़ करना उनके इंग्लैंड के परोक्ष निंदा या परोक्ष आलोचना का भी परिचायक था तो कुल मिलाकर जो पंडिता रमाबाई हैं उनके विचारों में जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का की भावना दिखती है वह उनकी राष्ट्रवाद की भावना को ही अभ्यक्त करती है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश की तारीफ करके भारत के सामने वैसा ही मॉडल रखने का प्रयास कर रही थी और बाद में कई अन्य विद्वानों ने कई अन्य राष्ट्रभक्तों ने भी इस तरह के आदर्श को सामने रखा और जैसा मैंने आपको बताया कि पंडिता रामाबाई अंग्रेज़ों की कम आलोचना या बहुत ही माइल्ड क्रिटिसिज्म करने वाली विद्वानों में थी एक्टिविस्ट वो इस तरीके की थी लेकिन वो अपने आप में अनूठी नहीं थी ऐसे कई अन्य लोग भी थे बहरहाल अगर हम पंडिता रामाबाई के विचारों का मूल्यांकन करें तो हमें वो एक ऐसी नारीवादी के रूप में दिखती हैं जो कि महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर भी जोर देती हैं और ख़ासतौर पर अमेरिका की उनकी तारीफ़ में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक आकर्षण और एक समर्पण का भाव दिखता है और दूसरे स्तर पर जैसा कि पूरी चर्चा में स्पष्ट है कि उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि भारत में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी स्थिति सुधरे लेकिन सो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि उनके चिंतन में उदारवादी मूल्यों का और नारीवादी मूल्यों का एक स्पष्ट ऊपरी स्थान दिखता है वो नारीवाद शब्द का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं करती हैं लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया और इसी कारण से बाद के दौर में उन्हें भारत के सर्वप्रमुख नारीवादी चिंतक के रूप में स्वीकार किया गया एक अर्थ में रमाबाई पश्चिम की पहली धारा के नारीवादी चिंतकों से आगे जाती हैं क्योंकि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत में नारीवाद का विषय पढ़ेंगे और उसमें आप यह देखेंगे कि नारीवाद की पहली धारा की बात होती है जहाँ पर पश्चिम में जो नारीवादी चिंतक हैं उन्होंने वोट का अधिकार देने की बात की और उन्होंने यह कहा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिलना चाहिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को मिलना चाहिए बहुत बड़ा सफरेजिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में चला तो इन सब के बरक्स पंडिता रमाबाई इसलिए ज़्यादा आगे जाती हैं क्योंकि वो इन इस तरह के पहलुओं पर जोर देती हैं हालांकि राजनीतिक अधिकारों की चेतना भारत में उस तरीके से नहीं आई थी पर वो कहती हैं कि आ, आ, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति का महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि वो शिक्षा हासिल करें बल्कि वो शिक्षा को तो महिलाओं के मुक्ति का एकमात्र रास्ता मानती हैं और वो यह भी कहती हैं कि महिलाओं को उन तमाम तरीके के कामों को करने का भी मौका मिलना चाहिए जो कि पहले पुरुष करते रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ वो परिवार के भीतर जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर भी काफ़ी गहराई से विचार करती हैं जो कि पहली धारा की पश्चिमी उदारवादी नारीवादी नहीं करती हैं यानी कि जो पंडिता रामाबाई हैं अपनी शुरुआती रचना में तो वो खैर परिवार के भीतर की भूमिका में महिलाएं खुद को कैसे अच्छा बनाएं उस पर ध्यान केंद्रित करती हैं और वो बोलती हैं कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे कर सकती हैं और अपने जीवन में आ, अपने आ, माता के रूप में वो कैसे भूमिका निभा सकती हैं लेकिन बाद की रचनाओं में उन्होंने परिवार की इस पूरी संरचना की बहुत गहराई से पड़ताल की और उसकी आलोचना प्रस्तुत की और ख़ासतौर पर वो अपनी तीसरी पुस्तक में ये दिखाती हैं कि कैसे महिलाओं की ज़िंदगी जो है वो सामाजिक रूढ़ियों से परिवार के भीतर जकड़ी हुई है और परिवार के भीतर पुरुष की इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्ति करना अपने पति को खुश रखना विधवा के रूप में महिला जीवन के तमाम प्रताड़नाओं को झेलना यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक महिला के जीवन के केंद्र में हैं मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि बहुत गहराई में जाकर पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के पारिवारिक जीवन का भी विश्लेषण किया जो कि एक लंबे समय तक नारीवाद की धारा से भी और सामान्य राजनीतिक सिद्धांत के भीतर भी उपेक्षा का विषय रहा यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पंडिता रमाबाई ने आ, निम्न जाति या गरीब महिलाओं पर अलग से ध्यान नहीं दिया आ, और उन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की स्थिति पर ख़ासतौर पर विधवा महिलाओं की स्थिति पर ज़्यादा ध्यान दिया पंडिता रमाबाई असल में आ, अपने शायद अपने अनुभवों के आधार पर काम कर रही थी उन्होंने यह जरूर कहा कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं या पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से इस स्थिति में हैं कि उनके पास स्वतंत्रता ज़्यादा है और जो अगड़ी या तथा कथित उच्च जाति की महिलाएं हैं उनके पास तथा कथित निम्न जाति की महिलाओं की तुलना में कम आ जाती है फिर दूसरा जब वो मुक्ति सदन की बात करती हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने जाकर सभी महिलाओं के लिए उस जगह को खोला और उसमें सिर्फ उच्च जाति की विधवा महिलाएं नहीं रहती थी बल्कि तथाकथित निम्न जाति की महिलाएं भी वहाँ रहती थी सेक्सुअल हिंसा से प्रभावित महिलाएं नेत्रहीन महिलाएं वृद्ध महिलाएं सबको उन्होंने जगह दिया और एक सामुदायिक जीवन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद अलग से उन्होंने तथाकथित निम्न वर्ग की माने जाने वाली या पिछड़ी जाति के माने जाने वाली महिलाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और यह उनके लेखन की एक कमी के रूप में आ, सामने आता है तो इस लिहाज से आ, उच्च जाति ब्राह्मण महिला के रूप में वे अपने अनुभवों के आधार पर महिलाओं के समस्याओं की अपनी समझ उन्होंने बनाई और ऐसा प्रतीत होता है कि वे महिला श्रेणी के भीतर जाति और वर्ग आधारित विभिदीकरण को नहीं देख पाएं और उन्होंने एक महिला श्रेणी को एक बड़ी श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया बहरहाल हमें इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि पंडिता रमाबाई के विचारों की जो सीमाएं हैं उस वो थी और उसे हम एक लंबे समय के बाद अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हैं लेकिन जिस समय में जिस कालखंड में पंडिता रमाबाई इस दुनिया में आई जिन परिस्थितियों में उन्होंने एक रूढ़िवादी समाज के भीतर महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किए और जिस सीमा तक जाकर वो पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों की आलोचना कर पाई और पुरुषों के प्रभुत्व वाली सभाओं में मिसाल के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जाकर महिलाओं के हक़ की बात जोरदार तरीके से कर पाई वो सब अपने आप में अतुलनीय हैं और प्रशंसनीय है और इस लिहाज से उन्हें भारत के इतिहास में याद किया जाना चाहिए इस पूरी चर्चा में मेरी यह कोशिश रही कि मैं पंडिता रामाबाई के जीवन और विचारों को आपके सामने रख पाऊँ मुझे यह उम्मीद है कि आप पंडिता रमाबाई के विचारों की एक समझ बना पाए होंगे और इस समझ के आधार पर आप मोटे तौर पर नारीवाद और भारतीय नारीवाद के भीतर पंडिता रमाबाई के स्थान को और ज़्यादा गहरे रूप में समझ पाएंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप यह प्रयास करेंगे कि आप पंडिता रामाबाई के द्वारा लिखी गई लिखी गई कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें और उनके विचारों को समग्रता से समझने का प्रयास करें तो आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं नमस्कार